नमस्कार दोस्तों, सत्यनीर में आपका स्वागत है। आइए आज आपको एक जानकारी साझा करते हैं। 100 लीटर का प्लांट बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए और ये किस तरह काम करता है, पूरी जानकारी के लिए अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक SS का स्टैंड यहाँ पे लिया गया है। आप SS का स्टैंड भी ले सकते हैं, इसके बिना भी बना सकते हैं थोड़ा सा दिमाग लगा के, पर अभी हम स्टैंड के साथ हैं तो इसलिए हम स्टैंड की बात करेंगे। स्टैंड में आपको 3 हाउसिंग, ये 20 इंची की स्लिम हाउसिंग इन्हें कहा जाता है, 3 हाउसिंग आपको चाहिए होती हैं। 3 फिल्टर हाउसिंग के बाद में आपको 4 मेम्ब्रेन हाउसिंग की रिक्वायरमेंट होती है। ये 4 मेम्ब्रेन हाउसिंग यहाँ पर लगी हुई हैं बैक साइड में। उसके बाद में 2 पोस्ट फिल्टर्स हैं, जो एक कार्बन और एक अल्कलाइन है। आप कुछ और भी लगा सकते हैं, दोनों कार्बन भी लगा सकते हैं, दोनों अल्कलाइन भी लगा सकते हैं, ये आपके विवेक पर डिपेंड करता है। और उसके बाद में एक हमने यूवी स्टेज दिया गया नीचे। तो 3 फिल्टर हाउसिंग के साथ जो फ्रंट में है लगी हुई, उसके बाद में आपको 4 मेम्ब्रेन हाउसिंग, और उसके बाद में पोस्ट कार्बन या पोस्ट अल्कलाइन, और एक यूवी, अगर आप यूवी की स्टेज देना चाहते हैं ये आपको रिक्वायर्ड होता है। फिल्टर के बाद में नंबर आता है इलेक्ट्रिकल पार्ट्स का। इलेक्ट्रिकल पार्ट्स में आपको 2 पंप चाहिए होते हैं हाई कैपेसिटी के, उसके साथ साथ 2 पावर सप्लाई है आपकी, और फिर 2 सोलेनोइड वाल्व, SV कहा जाता है इनको, और एक प्रोटेक्शन के लिए आप लगा सकते हैं, मर्जी है आपकी, लगाना चाहें तो लगा भी सकते हैं, नहीं भी, LPS स्विच होता है, LPS लो प्रेशर स्विच एक इसको बोला जाता है। इसके साथ साथ HPS भी लगा सकते हैं अगर रिक्वायर्ड हो तो। यहाँ पर हमने सिर्फ LPS का यूज़ किया है। तो अभी तक जो हमने देखा, 3 फिल्टर हाउसिंग, उसके बाद में 4 मेम्ब्रेन हाउसिंग, 2 पोस्ट कार्बन और अल्केलाइन, जैसा भी आप चूज़ करें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और एक यूवी सिस्टम। उसके बाद अल्केलाइन के बाद में आपका इलेक्ट्रिकल पैनल जो है, आपका सारा पैनल, या आप बोलें इलेक्ट्रिकल मॉड्यूल या इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट, वहाँ पर आपके 2 पंप, पावर सप्लाई, सोलेनोइड वाल्व, और एक LPS, HPS, जरूरत पड़े तो आप लगा भी सकते हैं, और इसके बिना भी आपका सिस्टम काम करेगा। यहाँ पे जो ये फिल्टर हाउसिंग हमने इस्तेमाल की है, ये 1/2 इंची कनेक्टर की होती है। इसका साइज जो है, यहाँ पे जो थ्रेड है 1/2 इंची का होता है, और ये जो कनेक्टर है स्पेशल, एक एक्स निप्पल भी इसे बोला जाता है, मार्केट में अवेलेबल होता है, 1/2 इंची का थ्रेड होता है इसका। इसके साथ आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं इस तरह, जैसे देखेंगे आप, टेफ्लोन लगा के अच्छे से इसको टाइट करेंगे तो ये इंटरकनेक्टेड हो जाता है। अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते, अगर आप इसको इस तरह नहीं कनेक्ट करना चाहते, तो ये QC फिटिंग्स भी अवेलेबल होती हैं। इसमें 1/2 इंची का थ्रेड होता है और 3x8 का पाइप होता है, ये भी यहाँ पर लगाया जा सकता है आसानी से। तो जैसा भी आपको ज़रूरत पड़ती है अपना, यहाँ पे आप इसको लगा सकते हैं, या इसके इनपुट आउटपुट में मेम्ब्रेन हाउसिंग के लिए आपको 1/4 की, 3x8 की कनेक्शन चाहिए होते हैं, फिटिंग्स चाहिए होती है, जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं। और FR लगाए जाते हैं, जैसे कि इसमें हमने 450 का FR इंडिविजुअल मेम्ब्रेन के लिए यूज़ किया है। तो 3x8 का पाइप, 1/4 का पाइप, FRs, छोटी मोटी फिटिंग्स, और मेजर जो फिल्टर कंपोनेंट्स है वो मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया आज। तो इस तरह इन्हीं सभी कंपोनेंट की मदद से आप अपना एक 100 LPH का RO प्लांट पूरा तैयार कर सकते हैं, जिसमें RO प्लस UV अल्कलाइन के साथ आपका तैयार हो जाता है। बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट है और बहुत ही लो पावर कंजप्शन लेता है, ईजी टू मेंटेनेंस होता है, फिल्टर्स भी आसानी से मिलते हैं और सस्ती क्वालिटी के होते हैं, सस्ते प्राइस में अवेलेबल होते हैं, अच्छी क्वालिटी का मटेरियल भी, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अधिक जानकारी के लिए, अगर आप रेडीमेड प्लांट खरीदना चाहते हैं या स्पेयर पार्ट्स लेना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट पर आ सकते हैं, www.satyaneer.com। धन्यवाद।